ये सर 5-6 महीने से चालू है इनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मौजन और इमाम जो है वो जो खिदमत करते हैं मस्जिद की, वो लोग घरों में किराए से रहे, तो उनके लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है तो जमीन अलॉट की जाए करके ऐसा मुतालिबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। क्योंकि बहुत से बेचारे परेशान हैं, उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती है, 6-7 हज़ार रुपये मिलती, तो आधा किराया उनका चले जाता है उसके अंदर। बच्चों की फीस है, बीमारी है, और हर चीज़ के लिए इसी आपको कि जो अवकाब की खाली जगह है ज़्यादा उनको पलाव फला किया जाए। जैसा गवर्नमेंट घर कुल की स्कीम के लिए गरीबों को देती, इसी तरह आपसे गुजारिश है। ठीक है, मैं रख लेता हूँ जी। मोहम्मद असदुल्ला खान तर्रार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का औरंगाबाद शहर जनरल सेक्रेटरी है मैं। आज हमारा एक शिष्टमंडल महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ अनीस अहमद साहब से मिला, मुलाकात लिया। उसमें ये बताया गया है कि औरंगाबाद शहर में जितनी मस्जिदें हैं और उसमें जो इमाम लोग काम करते हैं और जो इमाम लोग अपने जो है तो ड्यूटी अंजाम देती है, और वो घरों में जो है तो किराए के घरों में रहती है, लिहाजा सीईओ साहब से गुजारिश की गई कि उनको जो है तो वक्फ बोर्ड की तरफ से ज़मीन अलाउट की जाए और घर बना के दिया जाए उनको। ये जो भी वक्फ बोर्ड देंगे उसके लिए हम एग्री है, क्योंकि उनको समझेंगे ना कि भाई कितने लोग हैं, क्या है, उस हिसाब से जो ना लिस्ट के हिसाब से निकालेंगे कितने मौजन हैं, कितने इमाम हैं, कितने घर बनाना पड़ेगा, कितने घर बना के देना पड़ेगा उनको। अभी तो औरंगाबाद की हद तक हमने ये ऐसे मांग करे, अब बढ़ते बढ़ते मराठवाड़ा लेवल पे जाएंगे, महाराष्ट्र लेवल पे जाएंगे हम लोग। असदुल्ला खान तर्रार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है मैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नायब सदस्य सईद हुसैन और हमारे यासीन भाई जनरल सेक्रेटरी, असदुल्ला खान तर्रार जनरल सेक्रेटरी, इनके मार्फत हमने एक सीईओ को लेटर दिया है। जो वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन अवकाफ की खाली पड़ी है वहाँ पर हमारा इल्तिजा है कि भाई पेशमा मौजन जो बहुत से किराए के घर में रहते बेचारे, उनकी हालत अभी लॉकडाउन से बहुत परेशान है। कई पेशमा मौजन को है तो तनख्वाहें बहुत नहीं मिली है 2-2-3-3 महीने की, और इस हालत में उनके घर का खर्चा, स्कूल की फ़ीस, दवाखाने, ये बहुत कम मुश्किल से इनका मुशारे में ज़िंदगी गुजरती। लिहाजा जो किराए के घर में पेशमा मौजन रहते हैं उनको जो अवकाफ़ की खाली जगह पड़ी है उनको 600 स्क्वायर फीट का फ्लाट अलाउट किया जाए, ऐसी गुजारिश हमारे जनरल सेक्रेटरी यासीन भाई, मैं नायब सदर सैयद हुसैन और असदुल्ला खान तर्रार ने हमारे सीईओ को एक लेटर दिए। मैं शेख यासीन, शेख करीम शहर जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रवादी का एक निवेदन दिया हूँ सीईओ साहब को कि जो पेशमा मौजम है औरंगाबाद के जितने भी, वो लोगों को जो जगह खाली पड़ी है 34, 35, 36 पंचकी के सामने एक गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड का लैंड है खाली पड़ा हुआ है, उनसे निवेदन किए कि वो लोगों को बेचारों को 600 स्क्वायर फीट जगह उनको एक एक मौजन इमाम को दिया जाए। वो लोगों को बेचारों को पगार पानी जो बहुत कम रहता है, वो किराए को घर में रहते हैं। बरा मेरा निवेदन साहब अनिस साहब ने बोले इंशाल्लाह मैं ऊपर भेज के अलॉटमेंट कराऊंगा और देने लगूंगा। आपने जो है औरंगाबाद की हद तक जो है पेशवाओं के वास्ते जगह की मांग करी कि जीरो के अंदर भी जो है, अभी जो है सिर्फ औरंगाबाद ज़िले के लिए हद तक, इसके आगे मराठवाड़ा, फिर उसके आगे महाराष्ट्र के हद तक भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और मंत्रालय तक जाके काम करा के लेंगे।